नमस्कार साथियों, अभी अभी आई एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर के अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अतीक अहमद और उसके बेटे और उसके भाई की हत्या होने के बाद यहां पर बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद की हत्या करने वाले तीन जो लड़के थे, जो आरोपी थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर अपने आप को वहीं पर सरेंडर कर दिया था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही कि अतीक अहमद की पत्नी, जी हां, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को खोजा जा रहा है और उन पर 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का रखा जा सकता है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि लगातार जांच पड़ताल जारी है, शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है, कहीं कहीं पर तो ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग किया गया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता परवीन को इस समय खोजा जा रहा है, हो सकता है कि 50,000 से अधिक 1,00,000 तक का इनाम उनके ऊपर रख दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता परवीन के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, गुड्डू मुस्लिम को भी खोजा जा रहा है शाइस्ता परवीन को। कहीं ना कहीं इनका जो है संबंध एक दूसरे से केसों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द खोजा जाएगा। और यह भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन अपने आप को कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दे। पल पल के अपडेट से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोगों को सही जानकारी लेकर